ये चलती लहर हूँ किनारा नहीं। तुम्हारी कसम मैं तुम्हारा नहीं। सच्चाई है, मैं चलती लहर हूँ किनारा नहीं हूँ। तुम्हारी कसम मैं तुम्हारा नहीं हूँ। खुदा के लिए मुझको ऐसे न छेड़ो, मैं शादी शुदा हूँ तुम्हारा नहीं हूँ। मैं शादी शुदा मैं तुम्हारा नहीं हूँ। मैं हंस रहा हूं तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं मोबाइल देख रहा हूं तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है। ए अजीम, अजीम देखो इधर देखो, बदतमीज मुझको मालूम है कि जोर बातिल टूट जाएगा, अगर मैं मुस्कुरा दूंगा तेरा दिल टूट जाएगा। अगर मैं मुस्कुरा दूंगा तेरा दिल टूट जाएगा। गुजरात जानता है कि अजीम हमेशा हंसता रहता है, पर ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की नेमत है, सुन्नत रसूल है, हमेशा मुस्कुराया करो। मुसीबत के वक्त भी मुस्कुराया करो, तकलीफ में भी मुस्कुराया करो। मुस्कुराहट मेरे जख्मों को छुपा लेती है, ये वो चादर है जो ऐबों को छुपा लेती है। इस तरह मैंने तेरा राज छुपाया सबसे, जिस तरह घास जमीनों को छुपा लेती है। जिस तरह जमीनों को छुपा लेती है। खैर मैं ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहता, अव्वल तो ये और हजार तो दूसरी बात के मेरा म्यार नहीं। फिर भी मैं कुछ मेरे नौजवान बच्चों के लिए थोड़ा सा मसाला दे देता हूँ इनको, ताकि मेरे नौजवान ये ना समझे कि अजीम भाई के पास कुछ भी नहीं रहा। ऐसा नहीं भाई, अल्लाह का करम है, जहां से भी आगे रुकेगी ना वहां से शुरू हो जाऊंगा। अब देखो माशाल्लाह, मेरा बहुत प्यारा शागिर्द इस महफिल में तशरीफ फरमा है और सरजमीन अहमदाबाद शाह आलम की जमीन से ही बच्चा आया है और बहुत प्यारा गाता है तौसीफ आलम। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे बच्चे जो कि अपने फन में मेहनत कर रहे हैं वो मेरे शागिर्द हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब, मुझे कुछ नहीं आता। ये तो इनकी मोहब्बत है कि ये लोग पता नहीं क्यों मेरे शागिर्द हो जाते हैं। आइए अब जरा गजल गजल का मूड बनाएं। गजल ये मैं आपके पसंद की पढ़ रहा हूँ, इसके बाद की जो है वो मेरे पसंद की पढ़ूंगा।
हो तुम फिर भी बहुत झूठी हो तुम फिर भी नजर को सच्ची बच्चों को डाला रही है।
सहदयाब रखे दिया था भाई कहिए सानी मिश्रा आपने सुना जब लौटा आ गया लेकिन अभी भी अच्छी लगती हो शेर सुने दिया था हमने दी तुमको अरे उसे भी खो दिया तुमने मोहब्बत के अखाड़े में मोहब्बत के उन्हीं को देख रहे थे
अब उनको मैं देखूं बार बार मुझे हंसी आ जाए और मैं जानबूझ के अपने मोबाइल में खो जाऊं, फिर उनकी तरफ देखो तो हंसी आ जाए। वो बच्चे इन्हीं की तरह थे। शेर सुनिए शेर, ये है ना, यू महफिल में, यू महफिल में जवानों पर नजर के तीर मत मारो, काफिया देखना, काफिया मैंने क्या रखा है इसमें, काफिया यू महफिल में, अरे ले दो यार भैया, शेर मिस मत करना, बुढ़ापा आ गया लेकिन अभी भी अच्छी लगती हो, कोई शक नहीं। अरे यार बहुत लेट आ रहे हो तुम लोग। मेरा मशवरा है तुम्हें, मेरा मशवरा है, मेरा एडवाइस, मेरी एडवाइस है, ये महफिल में जवानों पर नजर के तीर मत मारो। सुनो सुनो, तुम यहाँ किसी की मम्मी लगती हो, किसी की मम्मी लगती हो, किसी की चच्ची हो, मेरे सीनियर जो उन्होंने अपने जमाने में जिस तरह से पढ़ते थे, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है बस उनकी तरह, मैं उनकी तरह तो क्या पढ़ पाऊंगा, उनकी जूतियों की धूल भी नहीं होती, बस कोशिश की है। जनाब नज्म कहने का अंदाज जरा समाप्त करें, ये सब मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, निसार मेहनत समझ में आएगी। नाज़िम लुट गए, अच्छा एक वीक पॉइंट इसमें, प्लस पॉइंट क्या है कि अल्फाज समझ में आना चाहिए, नज़्म में अल्फाज चबाना नहीं चाहिए, अल्फाज समझ में आना चाहिए, बच्चा भी समझे। नाज़िमीनों के लिए मैं जबीनों के लिए लुट गए हम इन हसीनों के लिए, हम जान ले इन हसीनों की पता, कौन है कौन है वो, जो नहीं
जैसा कि मैंने वादा किया था इस वक्त इसके बाद मैं अपनी पसंद की गजल आपके सामने रखूंगा जो कि मेरा मिजाज भी है और मेरा मेयार भी है। ये नौजवानों के लिए खाली थोड़ी देर के लिए मनोरंजन किया था मैंने, अब ये मनोरंजन का एक शेर और सुन ले आप। मोहतरमा रेहाना चिश्ती जी की नजर। बुढ़ापा आ गया लेकिन खराश डरो मत। आइए आप ही से जाना सच बताना सच। तुम्हारी उम्र वैसे तुम्हारी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी उम्र का पोल खोल रहा हूं। तुम्हारी उम्र वैसे हो गई 40 के भी आगे कुछ औरतों की खासी आदत होती है अपनी उम्र छुपाती है। हाँ, तुम्हारी उम्र वैसे हो गई 40 के भी आगे मगर इन नाज नखरों से मारे नाज नखरों से तुम बिल्कुल बच्ची नहीं। छेड़ा करो मुझे यार, मैं गुस्से से नहीं मारता, हंस के मार देता हूं क्योंकि हमारे होठों पे भूले से भी शिकवा नहीं आता। हसद की आग में हमको कभी जलना नहीं आता। खुदा ने दिल ही ऐसा नर्म बख्शा है हमें साहब, कोई कुछ भी कहे हमको हमें गुस्सा नहीं आता। उसको और निखारना है।